तो हेलो गाइस, आ चुके अपने नए वीडियो के साथ अपने पुराने चैनल जफर भाई पॉइंट में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप टायर का जो अंदर का ड्रम रहता है वो कैसे क्लीन कर देंगे, और ड्रम के साथ जो लाइनर होता है वो सबको आज क्लीन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो स्किप मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो टायर का जो आगे का ड्रम रहता है उसको अगर क्लीन करना है तो सबसे पहले आपको जो टायर का एक नट रहेगा उसको खोलना पड़ेगा। वो रहेगा 19 नंबर का नट रहेगा, उसको आप खोल लीजिएगा। ये नट खोलने के बाद जो बोल्ट रहेगा उसको अंदर आप डाल दीजिए और इधर से बाहर निकाल लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि टायर बाहर आ चुका है, अब जो है अब हम इसको क्लीन करेंगे। आप उसके लिए आपको थोड़ा सा पेट्रोल लगेगा, 200 ml का पेट्रोल लगेगा, उसको आप निकाल लीजिएगा टैंक में से। ये जो ब्रेक का नट है उसे भी बाहर निकाल लेने का है। मीटर का जो वायर रहेगा, मीटर केबल जो रहेगा उसे भी बाहर निकाल लीजिए। और ये सबको अभी हम पेट्रोल से अच्छे से धो लेंगे। ये जो ड्रम वगैरह उसको पेट्रोल से धोना है, और जो लाइनर है उसे अभी दिखाऊंगा कि पॉलिश पेपर से धोने का है। ये रहा अपना पेट्रोल, ये देखिए थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाल डाल के पूरा ब्रश से एक बार घिस देने का है। तो पूरा जिसमें जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स रहेंगे सब निकल जाएंगे। जो ब्रेक के लिए ब्रेक नहीं लगने देता है, जो कचरा रहता है अंदर का सब निकल जाएगा पेट्रोल से। तो आप अच्छी तरीके से उसे धो लीजिएगा। देखिए ये पूरा धुल के हो चुका है। अब आपको दिखाऊंगा कैसा पूरा चमक रहा है। पूरा ड्रम अच्छी तरीके से धुल चुका है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि लाइनर को जो है पॉलिश पेपर से साफ़ करने का, लाइनर का जो ड्रम रहता है उसका ऊपर वाला हिस्सा उसको भी पॉलिश पेपर से आप साफ़ कर लीजिएगा इस ड्रम को, और जो है लाइनर को दोनों को पॉलिश पेपर से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि वो पॉलिश हो जाता है तो ब्रेक जो है अच्छे से काम करेगा।
अब इसी के साथ अपना लाइनर ड्रम वगैरह है जो सब अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। Yeah.